कहानी बता रहे थे मुझसे बहुत दिन बाद, 20 साल बाद मिले थे। मैं समझ नहीं पाया था कि क्या कहना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में तो लड़का लड़कियों की कोई शादी नहीं करना चाहता था, बुंदेलखंड में पानी नहीं, अपराध है, तो पूर्वांचल चले जाओ तो गैंगवार है, तो वहां चले जाओ पश्चिमी उत्तर प्रदेश चले जाओ तो वसूली है, ऐसा ये बोल रहे थे। मैंने कहा नहीं, मेरा उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा है। उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा खराब लगता है जब कहते हैं उल्टा प्रदेश। अब मैं आया हूँ तो लोग बोल रहे थे उत्तम प्रदेश, कुछ समय बीता तो अब कहते हैं कि सर्वोत्तम प्रदेश। और फिर जब ये फिल्म बनाने के मकसद से आए थे, बोले यहाँ तो उत्तम प्रदेश से 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। तो मैं समझ नहीं पा रहा था कहना क्या चाहते हैं। अचानक इन्होंने मुझे फोन किया कि मेरी पिक्चर आई है यूपी फाइल्स, आप जरूर देखिए और आप आएंगे उसके इनॉग्रेशन में, क्योंकि इन्होंने बात ही बात में तमाम चीजें उत्तर प्रदेश के बारे में मुझसे पूछी थी। और मुझे अच्छा लगा, मैं जोशी जी को देख रहा था, लगा कि इसका कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है, ऐसा इन्होंने मुझे बताया। बिल्कुल। और ये किसी राजनेता की प्रेरणा तो हो सकती है, लेकिन उसकी जीवनी नहीं हो सकती, उससे उत्प्रेरणा हो सकती है। और इन्होंने उत्तर प्रदेश में जो बदलते देखा, वो पूरा भारत ऐसे बदले, इस परिकल्पना के साथ इन्होंने पिक्चर बना डाली। वही मैं ट्रेलर देखकर ही मन में आह्लाद है, प्रसन्नता है, और बधाई इसलिए है कि मैंने नीरज जी को बगैर दाढ़ी के देखा है मतलब छात्र जीवन में। और ये हर चीज क्रिएटिव करते थे, जो भी करो अलग हो। और आज सिने अभिनेता धर्मेंद्र जी ने जिस तरह इनकी तारीफ करी है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत सौभाग्य है। वैसे तो चाणक्य में अभिनेता के रूप में जब ये डायलॉग बोलते थे मनोज जी, तो पूरा पांडाल लाखों लाख का दहलता था। अभी के डायलॉग का क्या असर होगा ये तो ओसवाल जी जानते होंगे, जो इसको स्पॉन्सर किए, अब ऑडियंस जानेगी। और मंजरी जी का भी जो रोल दिखा पुलिस ऑफिसर का, हमारे वहाँ कई पुलिस ऑफिसर प्रदेश में हैं जो प्रेरणा के स्रोत हैं। मैं यही कहूँगा कि ये यूपी फाइल पूरे देश की फाइल बने, और ये एक एडमिनिस्ट्रेशन की फाइल बने, और ये ऐसी फाइल बने जिसमें अपराध का समापन हो और प्रदेशों की तरक्की के लिए लीडर्स जो हैं, नेता जो हैं, वो अपना सर्वस्व निछावर करें, जैसे इसमें अभिनेता को मैंने देखा। ट्रेलर दिखा दिया, मैं सब परिवार देखूंगा इसको। देखिए, जो सबसे बड़ी बात है, जो हमारा प्रदेश था बहुत पिछड़ा हुआ था जब हम जब पढ़ते थे बचपन में, गुंडागर्दी बहुत थी, भूमि माफिया, ये वो, मतलब कोई सुरक्षित नहीं था, मतलब हमारी बहनें, हमारे घर की जो औरतें सेफ नहीं थी, बाहर रात में कोई निकल नहीं सकता था, हम लोग खुद स्टूडेंट थे, सारी चीज़ें फील करते थे, देखते थे, तो एक दुख तो ज़रूर होता था कि हमारा इतना समृद्ध देश है, इतना हमारा प्रदेश है, नाम है इतना, इतने सारे हमारे यहाँ से बड़े बड़े लोग हुए हैं और हमारे प्रदेश की ये हालत है, तो समझ में नहीं आता था कि कैसे क्या होगा, बस इंतजार में बैठे रहते थे कोई आएगा ऊपर से भगवान और प्रदेश को सुधारेगा। तो ये इच्छा रहती थी कोई तो एक ऐसा राजनेता या कोई सन्यासी, कोई ऐसा व्यक्ति एक आए जो हमारे प्रदेश को जो है उन्नति करे और भयमुक्त बनाए। तो वो हमने लगा कि अभी कुछ प्रदेश, और सारे प्रदेश की हालत बहुत खराब, मैंने बताया ना कि हमारे प्रदेश की भी जिम्मेदारी होती प्रधानमंत्री को सपोर्ट करना, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, 130 करोड़ की आबादी है, अकेले प्रधानमंत्री सब कुछ नहीं कर सकते, तो सारे प्रदेश की जिम्मेदारी है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सहयोग करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ मैं देखता हूँ प्रदेश सब अलग, उत्तर जा रहे होते, दक्षिण जा रहे, तो बहुत खराब व्यवस्था है सारे प्रदेश लोगों, तो कुछ अभी योगी जी ने जो सब बोलते हैं, जो उत्तर प्रदेश में जो किया है, आज उत्तर प्रदेश का नाम बहुत ऊपर लेके गए, तो मैं उनसे इंस्पायर हूँ और चाहता हूँ कि हर प्रदेश ऐसे ही हो जाए तो पूरा हिंदुस्तान में राम राज्य हो जाएगा और शांति होगी और तरक्की होगी, उन्नति होगा, करप्शन ख़त्म होगा, लोग अपनी ज़िंदगी को बहुत आसानी से जिएंगे, जैसे फॉरेन में लोग बिना भय, बिना खौफ, बिना डर के जीते। ठीक है सर। मैंने बताया कि पहले जो पूरे यूपी की हालत थी वही कि रोड है कि खड्डे हैं मालूम नहीं है, आसानी से कोई लेडीज सूर्यास्त के बाद बाहर नहीं निकल सकती थी, गुंडागिर्दी, लूट खसोट, हफ्ताखोरी, वसूली,
बलात्कार ये तो आम था, यहाँ जनजीवन अस्त व्यस्त था। और धीरे 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 नए मुख्यमंत्री के आने के बाद जिस तरीके से यूपी का डेवलपमेंट होता गया होता गया होता गया, लॉ एंड ऑर्डर को कंप्लीट कंट्रोल किया, अच्छे अच्छे रतिमारती जो अपने आप को तीसमार का कहते थे, दादा कहते थे, गुंडे कहते थे, उनको ठिकाने लगाया गया। एक बार मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि 800 के करीब वांटेड, क्या बोल सकते हैं, गुंडे, उन्होंने ये कहा कि हमको जेल में डाल दो, इस डर से कि हमारा एनकाउंटर हो जाएगा। ऐसी स्थिति यूपी में हो गई और उसके बाद और धीरे धीरे इतना अच्छा डेवलपमेंट हुआ। तो मेरी ये इच्छा रही अंदर से कि यार अगर यूपी में इतना बिगड़ा हुआ राज्य सुधर सकता है, इतना पिछड़ा हुआ राज्य सुधर सकता है, तो ये हर स्टेट के मुख्यमंत्रियों को अपने स्टेट में ले जा करके और इसका डेवलपमेंट करना चाहिए। इस बात को मैं प्रदर्शित करके और जन जन तक पहुंचा करके इंडिया के हर लीडर, स्पेशली हर लीडर इसलिए बोल रहा हूं कि लॉ एंड ऑर्डर एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन वो देखते हैं तो वो अपने अपने प्रदेश में इसको ले जाए और दिखाने का प्रयास करें। उन्हें देखना चाहिए, हर MLA MP और हर नागरिक को दिखाना चाहिए, खुद को खर्चा करके दिखाना चाहिए। MLA को अपना खर्चा करके अपनी टेरिटरी में पूरी पिक्चर दिखानी चाहिए गांव गांव में, तब जाकर के इसके विकास की बुलंदी छुएगी। और हमारे मोदी जी जो दिन रात बेचारे लगे हुए हैं, उनकी जो योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुँच करके सफलतम बनेगी। एक तो पहली बार पुलिस ऑफिसर प्ले कर रही हूँ तो वो टफ तो था ही, एंड बट एक एक्टर के लिए उनको क्या चाहिए, एक एक्टर को चैलेंज चाहिए होता है, लाइक यू नो आई वांट टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स। तो मुझे पहली बार ये मौका मिला कि मैं एक टफ ऑनेस्ट कॉप का किरदार प्ले करूँ, सो मुझे बड़ा मजा आया। सो इसमें एक्शन सीक्वेंसेस वर देयर एंड आप जब फिल्में देखेंगे दे आर लाइक ऑल वेरी ह्यूज लाइक यू नो पीपल लाइक यू नो एंड सो लाइक उनके साथ एक्शन सीक्वेंस करने में बड़ा मजा आया, मेहनत बहुत हुई, बहुत चोट लगी बट दैट वाज फन। मुझे लड़कों को पीटने में बड़ा मजा आया, मैंने बहुत पीटा है, इतना पीटा है ना मैंने, यू विल वॉच इट इन द फिल्म, आपको भी मजा आएगा देख के। कभी कभी लगता है ना ये अंदर की भड़ास निकल, बिल्कुल। अच्छा मैम ये बताइए, ये प्रोजेक्ट जब आपके पास पहली बार आया, स्क्रिप्ट आई तो आपने क्या सोचा, मतलब करूँ या रुकूँ या मतलब सोचा थोड़ा बहुत ऐसा कुछ? हाँ मैंने जब मैंने स्क्रिप्ट, जब मुझे पता चला ऐसी फिल्म बन रही है तो मुझे थोड़ा सा लगा कि क्या करूँ करूँ नहीं करूँ, बट देन आई वाज लाइक नहीं, पहली बार मुझे एक पुलिस ऑफिसर का रोल मिल रहा है, ये तो नहीं छोड़ूंगी बॉस, ये मौका मिला है, ये नहीं छोड़ूंगी। और ये जो टफ चैलेंजिंग था आपने बहुत अच्छे से निभाया, हम लोगों ने थोड़ा सा ट्रेजर देखा है, बहुत मजा आया है। आपको जब आप फिल्म देखेंगे आपको और मजा आएगा, आई होप, आई ये फिल्म अच्छे इंटेंशन के साथ बनी हुई है, हम सब ने बहुत दिल से काम किया हुआ है, तो आई होप सबको पसंद आए। मनोज जोशी जी के साथ काम करके कैसा लगा मैम आपको? मनोज जोशी के साथ ही मेरी दूसरी फिल्म है, तो एक छोटा सा सीन हमने किया था किस किस को प्यार करूँ मैं, सो ही इज अ फैंटास्टिक एक्टर, ही इज सच अ स्कूल इन हिमसेल्फ, ही इज अमेजिंग, सो एंड अ वेरी वेरी एनकरेजिंग को स्टार, सो हमेशा बहुत बढ़ावा देते रहते हैं, यू नो काफ़ी कुछ सीखने को, बिल्कुल। एंड आप अच्छे एक्टर के साथ जब काम करते हैं तो एक वो जो एक जो एनर्जी एक्सचेंज होता है वो स्क्रीन पे दिख के आता है, सो आई होप यू ऑल विल सी दैट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। नहीं जब फिल्म की कथा मुझे सुनाई गई, पहले तो वन लाइन सुनाई गई, फिर मेरे पास स्क्रिप्ट मुझे बताई गई कि ऐसा होता है ये, तो बड़ा आनंद हुआ कि बहुत अच्छा विषय है। और एक तो मैं मेन रोल मुख्य किरदार मुझे निभाना है, तो निश्चित रूप से किसको आनंद नहीं होगा। और अच्छी प्रॉपर फिल्म है कि जो कुछ अच्छा संदेश भी देती है लोगों को और लोगों को सोचने को भी मजबूर करेगी। ऐसी फिल्म है तो ऐसी फिल्म मुझे करनी ही चाहिए, तो मैंने तुरंत हाँ कह दिया। ऐसा क्या लगा आपको कि इसमें कुछ यूनिक है जो मुझे इसे करनी ही चाहिए? क्योंकि मैंने आज तक कभी भी किसी भी फिल्म में मेन किरदार मेन रोल नहीं निभाया था, एक दूसरी बात एक मतलब एक मुख्य भूमिका और एक ऐसी भूमिका कि एक ऐसा नेतृत्व जो
दकियानुसी चीजें हैं जो जो स्वार्थी मदांध और केवल स्वकेंद्रित नेतृत्व आज तक यूपी को मिले थे, उन्होंने क्या ऑलमोस्ट मतलब बंटाधार करके रखा था सिस्टम का और सबका। और एक नेतृत्व जब आता है और वो सोचता है कि मुझे संविधान के साथ तालमेल बनाकर मुझे समाजोन्मुखी काम करना है, मतलब सभी जात धर्म पंथ को बाजू में रख एक सबको एक साथ में लेकर मुझे मेरे राज्य को आगे लेकर जाना है और शिखर पर लेकर जाना है और सर्वोच्च सर्वोत्तम राज्य बनाना है, ऐसा जब एक नेतृत्व ठान लेता है और वो क्या क्या कर सकता है, ये कथा है इसकी। सर जैसे कि आपने बताया कि 100 से ज्यादा मूवीज आप कर चुके हैं, तो इस मूवी को किस फायदा पे रखते हैं आप? बेस्ट मूवी है, सभी सारी मूवी बेस्ट है मेरे लिए, बट बिकॉज क्योंकि मैं इसमें मुख्य किरदार कर रहा हूँ और ये एक पात्र जो है वो लोगों को निश्चित रूप से लोगों को बहुत बहुत पसंद आएगा और उन्हें फिल्म देखने में एक क्या बोलते हैं एक सात्विक आनंद आएगा। और सिर्फ अच्छी लगेगी ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, उनके जो चित्त में चीज है ना वो उनको पर्दे पे दिखेगी। सर जैसे कि लोगों ने बताया कि जिस तरह से यूपी के सीएम आदित्य योगीनाथ जी ने एडमिनिस्ट्रेशन संभाला है, वैसी एक्सपेक्टेशन है आप लोगों की कि हर प्रदेश के सीएम ऐसे संभाले? नहीं नहीं, हर प्रदेश के सीएम कहीं ना कहीं मतलब संभालते ही हैं सब, बट ऐसा है कि हर एक की अपनी अपनी काम करने की पद्धति होती है। एक ही है कि सब लोग राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए जो बेसिक चीजें हैं वो उन तक पहुंचे, उन तक सारी सुख की जो भी बातें हैं मतलब सामान्य लोगों की नागरिकों की सुख की बातें वो सब कुछ उन तक पहुंचे, और इसके लिए समर्पित भाव से काम करने वाले नेतृत्व ऑफ कोर्स ये चाहिए ही प्रत्येक राज्य में, और हर आदमी इसके लिए और इसीलिए तो वो राज्य जो है वो प्रगति करता है। सर जैसे कि मूवी का नाम है यूपी फाइल्स, तो यूपी की कुछ खास चीजें जो आपको नजर आई? यूपी में मैंने पिछले 2014 से लेकर 24 तक जो आमूलाग्र परिवर्तन देखा है, मतलब अद्भुत, चाहे रास्ते ले लो, चाहे गुंडागर्दी ले लो, चाहे उद्योग ले लो, चाहे आप मेडिकल कॉलेजेस की स्थान ले लो, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, औद्योग बढ़ रहा है। दूसरा, राम जन्मभूमि के बाद न अयोध्या जो है वो भगवान राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा वहाँ हुई, उसके बाद वो कितने लाखों लोग प्रवास के लिए यहाँ आ रहे हैं, हाँ कितने एयरपोर्ट्स बने और वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ, क्योंकि राम भारत की भगवान राम श्रद्धा है, आस्था है और भारत का प्राण है भगवान राम, तो उनके दर्शन के लिए 500 वर्षों से लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, उस प्रतीक्षा की घड़ी 22 जनवरी को खत्म हो गई, उसके बाद हम रोज देख रहे हैं इतने लाखों लोग आ रहे हैं और ये विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र केंद्र बनेगा और भारत की संस्कृति का एक केंद्र बनेगा, और उससे बन गया राजा, और उससे केवल अयोध्या के आसपास की नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, तो ये कोई छोटी चीज नहीं है कि सोच को सोचना और उसको प्रत्यक्ष रूप में उसको लाना, ये काम चाहे और मैं बहुत ही मतलब केंद्र में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्य जो मतलब जो जो गारंटी देके काम करने वाला जो काम है वो दिखता है, वो कोई ऐसा नहीं है कि अरे ये रास्ते देखो कहां से कहां पहुंच गए,
तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर इतने सालों में क्यों नहीं कर पाए? चाहे वो मतलब मैं कोई इलेक्शन का प्रचार नहीं कर रहा हूं, बट मेरा कहने का भावार्थ ये है कि जहां यथा राजा तथा प्रजा, ये हमारी कहावत सत्य है, तो इसीलिए यूपी में भी उसी प्रकार का जो आमूलाग्र बदल है वो वही गारंटी वाला हो रहा है, ऐसा मेरा कहना है। गारंटी वाला मतलब कि भैया देखो ये करना है और वो हो रहा है, है ना, जो इतने सालों में कभी नहीं हुआ वो हो रहा है ना, दिख रहा है, आंखों से दिख रहा है, तो हाथ कंगन को आरसी क्या है ना। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो आमूलाग्र बदल इतने सालों में दिख रहा है और बहुत आह्लाद दे रहा है वो। जी सर। और उत्तर प्रदेश में मैं वाराणसी में जाता हूँ, मैं अभी अयोध्या गया, उसके बाद में हर तीर्थ क्षेत्र में जाओ या कहीं पर भी जाओ, मैं तो उत्तर प्रदेश बहुत घुमा हूँ मेरे चाणक्य नाटक को लेकर। हरिद्वार के हमारे आशीष भैया हैं जो सेवा कुंज एक आश्रम चलाते हैं कुष्ठ रोगियों के बच्चों की पढ़ाई के लिए, बहुत अद्भुत कार्य कर रहे हैं, मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और उस नाटक को लेकर मैं पूरा उत्तर प्रदेश वो आश्रम के लिए करता हूँ, घुमा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ और इसलिए बोल रहा हूँ। थैंक यू। देखिए मैं यूपी में ही पला बड़ा हूँ, मेरा नेटिव प्लेस है, तो सारी यहाँ पे जो खराब व्यवस्था थी और गुंडागर्दी और ये सब, जैसा दिनेश शर्मा जी बोला, इतनी व्यवस्था खराब थी कि डर लगता था हमें यूपी में रहने से, और अपने जो लेडीज़ हैं उनके लिए बहुत ये होता था कि कैसे ये प्रदेश धरेगा, तो बस यही एक दिमाग में चलता था कि हमको कोई ऐसी एक, ये जो मीडिया है फिल्म मीडिया, ये समाज का आईना है, तो हम चाहते थे कि कोई ऐसी पिक्चर बनाओ कि जिससे लोगों में जागरूकता फैले, अवेयरनेस आए अपने प्रदेश के लिए कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे, जनता का सपोर्ट मिले, और ऐसा कोई शासक, ऐसा कोई मुख्यमंत्री आए जो राम राज्य को ला सके, तो बस ऐसी परिकल्पना थी और हमने वही मैसेज दिया लोगों कि ऐसा ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। जैसे कि ट्रेलर देख के लग रहा है काफी हद तक बाबा से इंस्पायर है। देखिए हम क्या है, इसी समाज में पैदा हुए, कोई ना कोई किसी ना किसी से तो इंस्पायर होता ही है। अब हमारे यहाँ देखिए, अभी सारी जितनी भी स्टोरी निकाल लीजिए, रामायण और महाभारत, ये दो ग्रंथ से बड़ी कोई स्टोरी नहीं है, सारी स्टोरियाँ इसी में से निकलती हैं, तो ये सब हम यहीं से देखते हैं, यहीं सीखते हैं। कोई हमारा हीरो होता है, किसी को कुछ लोगों का हीरो जो है फिल्मी आर्टिस्ट होता है, कुछ लोगों का हीरो जो है कोई राइटर होता है, कुछ लोगों का हीरो जो है कोई पॉलिटिशियन होता है, तो बस मेरे अंदर जो इच्छा थी कि एक राम राज्य जैसा सुनते थे कि होना चाहिए रामायण में, तो बस हमारी वही परिकल्पना थी, तो हिसाब से जो है हमने किया, ये माध्यम था और ये सबक देने की कोशिश की, उसमें बहुत अच्छा हमने संदेश भी दिया है कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की कदर, नए एक इंच इधर नए एक इंच उधर, ये बहुत बड़ा मैसेज है बाबा साहब का, जो संविधान को फॉलो करना बहुत जरूरी है, संविधान से नए एक इंच इधर नए एक इंच उधर, जो करेगा उसको सजा मिलनी चाहिए, उसके साथ जिसके साथ अन्याय हुआ है उसके साथ न्याय मिलना बहुत जरूरी है, और ये हमारे जो है जो मुख्यमंत्री जो है वही ये सब चीजें कर सकते, लॉ एंड ऑर्डर को पूरा फोर्सफुली वही लागू करवा सकते हैं, इसीलिए सारे नेताओं को, सारे सीएम को, सब लोगों को हमारा ये मतलब फिल्म के माध्यम से ये एक अवेयरनेस किया है कि आप लोग ऐसा कीजिए, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा कीजिए और उसके हिसाब से लोगों को कानून को चलाइए। तो जैसा कि आपने बताया कि जनता को अवेयर करने के लिए आपने मूवी बनाई है, तो लास्ट में आपको पब्लिक से क्या अपील करना चाहेंगे अपनी मूवी के लिए? पब्लिक से देखिए, आपको बोला ना कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की कदर, नए एक इंच इधर और नए एक इंच उधर, लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी चीज, सबके साथ न्याय होना चाहिए, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब बराबर है और सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, करप्शन हटना चाहिए, भ्रष्टाचार गुंडागर्दी सब समाप्त होनी चाहिए, सारे जो प्रजा एक लेवल की होनी चाहिए, एक ही जैसी होनी चाहिए, ये